तो यार जैसे सबको पता है कि जो हमारा WEC है भाई, उसका वर्ल्ड फाइनल्स चल रहा है एंड वहाँ पे हमारे इंडिया की मतलब 4 टीम्स खेल रही है। बट वहाँ पे आज दो थी भाई, एक टीम में मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा टक्कर डोमिनेट किया एंड उस टीम का जो कमबैक था भाई वो देखने लायक था। वो टीम थी हमारी, हम सबकी प्यारी इंडिया की शान, हमारी टीम इलिट। उस टीम भाई जो कल मतलब खत्म हुआ था एंड आज जब मतलब आज जब स्टार्ट हुआ जो हमारा वो टीम सीधा 8 से लेकर फर्स्ट तक आई देख रहा है। एंड भाई अब मेरे को पूरा भरोसा है कि इंडिया के जो 4 टीम्स है ना उसमें से 3 टीम्स तो भाई टॉप 3 या मतलब टॉप 4 में आपको 3 टीम्स इंडिया की देखने को मिल जाएगी जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो टीम लीड का जिन्होंने मतलब WEC नहीं देखा तो मैं उनको आपको टीम लीड का मतलब एक छोटा सा परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यार परफॉर्मेंस दिखाने से पहले भाई मैं आपको टूर्नामेंट बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप टीम एलीट TSG मतलब बड़ी बड़ी T1 टीम्स के अगेंस्ट खेल सकते हो एंड वहाँ पे बस आपको रजिस्टर करना है। तो जो टूर्नामेंट है स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका जो प्राइस पूल है भाई वो 15,000 रुपीज एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपको जाकर रजिस्टर करना है। एंड यहाँ पे इन फ्यूचर भाई मतलब बहुत ही बड़े बड़े प्राइस वाले टूर्नामेंट होने वाले हैं एंड वहाँ पे मतलब बहुत सारे आप T1 टीम्स के अगेंस्ट भी खेल सकते हो। तो यार वेट किस चीज़ का करो, जाकर रजिस्टर करो एंड टूर्नामेंट खेलो। तो यार आज का शुरुआती मैच में जो हमारी टीम एलीट है उन्होंने डोमिनेट किया था, उन्होंने बुया निकाला था विद 7 किल्स एंड उनके फर्स्ट मैच में हमारे टोटल 19 पॉइंट्स। देन जो हमारा सेकंड मैच था वो उतना अच्छा नहीं गया एंड वहाँ पे उनका 7th पोजीशन विद 1 किल्स एंड उनको बस 5 पॉइंट्स मिले थे। तो उनका सेकंड मैच था मतलब वो उतना अच्छा नहीं गया था। फिर सेकंड मैच के बाद उन्होंने थर्ड मैच में कमबैक किया एंड वो सेकंड पोजीशन पे विद 7 किल्स एंड उन्होंने टोटल इस मैच में टोटल 16 पॉइंट्स निकाले। उनका जो कमबैक था भाई मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के भाई, जो उनका सेकंड मैच तो अच्छा नहीं गया था बट भाई उन्होंने थर्ड मैच में अपना कमाल करके दिखाया। देन फोर्थ मैच तो क्या ही कहना भाई, उन्होंने अगेन फिर से एक और बुया निकाल लिया था एंड ये इनका 6 मैच में था सेकंड बुया था। देन फिर जो हमारा 5th मैच था भाई वहां पे हमको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला हमारे टीम मिलिट के परफॉर्मेंस में, लेकिन जो 6th मैच था वहां पे फिर से राइज की एंड सेकंड पोजीशन एंड 7th किल के दोनों 16 पॉइंट्स जुगाड़ किए एंड इसके साथ साथ जो हमारी टीम एलीट थी भाई वो मतलब नंबर फर्स्ट पे आ चुकी है एंड अभी बस 2 दिन और बचा है। हम देखते हैं कि भाई अब कौन सी टीम मचाती है। मैं चाहता हूं कि भाई इंडिया की टीम से मचा, क्योंकि भाई इंडियन हो तो इंडिया की टीम से चाहूंगा एंड देखते हैं भाई अब कौन सी टीम मचाती है एंड आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो एंड मतलब अब एक मतलब आपको कैसा लग रहा है WEC में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यार वीडियो में इतना ही था, मैं होप करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।